छोटा सा मेहमान आया है, छोटा सा मेहमान। सा सुनम दे हमद नबूजी दुकान था दवा रे समय अस्सलामु अलैकुम गाइस, दिस इज़ शाहिद एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हॉनेस्टली बताऊँ तो आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तकरीबन असर का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह से मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं वीडियो बना दूँ लेकिन मुझसे वीडियो वगैरह नहीं बन रही थी। फिर अपने आप को काफ़ी मोटिवेट करने के बाद मैंने कहा चलो भाई एक शॉर्ट सा व्लॉग ही बना देते हैं ताकि हमारे पास एक मेमोरेबल वीडियो हो। और यकीनन आप तमाम दोस्तों को पता चल गया होगा के व्लॉग बनाने का दिल मेरा आखिर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे जो भाई हैं गुल भाई और इनायत भाई, दोनों का आज आखिरी दिन है हमारे साथ पाकिस्तान में। कल से इंशाल्लाह वो दोनों अपने अगले मंजिल का आगाज करेंगे, सऊदी अरब उन्होंने जाना है। 3 महीने पहले वो यहाँ हमारे पास आए थे, बड़े ही खुश थे हम जब उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हम मिले। उनके साथ ये 3 महीने यकीन माने इतने एंटरटेनमेंट के गुजरे, कि टाइम का पता ही नहीं चला और 3 महीने खत्म हो गए। चंद ही घंटे रह गए हमारे पास सुबह इंशाल्लाह 2 फरवरी 27 डेट और 2024 को उन्होंने सुबह निकलना है तकरीबन 7 बजे घर से। तकरीबन 12-12.5 बजे के आसपास इनकी फ्लाइट है, तो इंशाल्लाह हमने घर से 7-1 बजे निकलना है ताकि हम टाइम से वहां पे पहुंच जाए, क्योंकि यहां से हम जब निकलेंगे तो यहां से भी काफी रास्ता है, 250-300 किलोमीटर का रास्ता है, वो तय करने में तकरीबन हमारे लग जाएंगे तकरीबन 3-3.5 घंटे तक लग जाएंगे। पहले तो बहुत टाइम लगता था भाई, अभी आजकल जो है सीपेक है तो मोटरवे के ऊपर इतना टाइम हमारा नहीं लगेगा। मोटर वे की वजह से सफर अल्हम्दुलिल्लाह से काफी बेहतर हो गया है। अब यहाँ पे तो भाई हमारा गुजारा हो रहा है फिलहाल, जो है हमने अपने दिल को मुतमईन किया हुआ है भाई कि इंशाल्लाह ऑल इज वेल, कुछ नहीं होता। लेकिन वो मुझे ये कोई आइडिया नहीं है कि जब हम यहाँ से जाएंगे और फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे हमारा क्या हाल होगा, उसका कोई आइडिया हमें नहीं है फिलहाल, क्योंकि वहाँ पे अपने किसी प्यारे को गुड बाय करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेट्स सी के क्या होता है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। छोटा सा मेहमान आया है, छोटा सा मेहमान था सुनम दे हमद जम्मू कोर तला गले ता सर सुकना गल नूर छोटा सा मेहमान ये भी आया हुआ है सासन दे साद नम दे एहसन और दुआ दुआ तेरे सुनम दे नबूजी दुकान था दवा रे बूजी बा बूजी बा सुख बा नबूजी देख दे एहसन नबूजी के दा वाह 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 वा, शूज को देखे इसने किसके शूज पहने हुए हो देवाई चरता तले हुई हाँ दुआ सर तले हुई ये अभी से क्रिकेट खेल रहा है समय सलाम सलाम सलाम। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। जैसे हर रात अंधेरे के बाद एक नए दिन का आगाज होता है, वैसे ही आज हम भाई को इसी हालत में रुख्सत कर रहे हैं। इंशाल्लाह वे बहुत जल्द हमारे पास वापस आ जाएंगे। कल फिर व्लॉग दोबारा से स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला, मेहमान भी थे। हम नाश्ता वास्ता करते हैं भाई के साथ, फिर आगे देखते हैं भाई के क्या सीन होता है। स्टे विद अस। खुशहाली لا بدي يا وي خبلت اذا سرت دم يا بالا حرام كاي انا كسرت انا كسرت بالا صورتي نيشتي ولا كيلا وقت اوزي انا جبنا لو انا خرجت مرسي سرت كم شي انا
گل بھائی اور عنایت بھائی کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے ہم الحمدللہ سے گھر واپس خیریت سے پہنچ گئے ہیں، لیکن ہانسٹلی بتاؤں تو ہماری جو روحیں ہیں وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ رہ گئی ہے۔ اینی ویز گائز، انشاءاللہ امید ہے ان سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب کرے، جو ان کی منزل ہے وہ ان کے لیے آسان کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد ان سے ملاقات ہوگی۔ ادھر ہی گائز ہم کرتے ہیں آج کے اپنے اس بلاگ کا دی اینڈ۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔